हेलो एवरीवन, मायसेल्फ शंकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट ऑफ यूनिट 2 अकॉर्डिंग टू JUT डिप्लोमा 5th सेमेस्टर। इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस यूनिट नंबर 2 ऑफ RCC इन विच वी हैव टू डिस्कस इंट्रोडक्शंस ऑफ WSM। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज अजम्पशंस मेड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। बेसिकली RCC जो आप लोग को पढ़ना है, इसमें LSM के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, और ये जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2 ये WSM पर है, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन मात्र है। तो जिसमें सबसे पहले देखेंगे इसके हम लोग एजम्पशंस क्या क्या हैं। तो एजम्पशंस में पहला एजम्पशन कहता है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब कि कोई बीम है, सपोज मानते हैं कि ये एक बीम है, बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसमें बॉटम में रिइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। अगर सिंगली है तो W होगा, तो टॉप में भी होगा। कहता है कि लोड, बीम पर लोड लगाते हैं, कौन सा UDL लोड लगता है। जब इस पर लोड लगेगा तो ये बेंड करेगा, और बेंड करता है तो इसका एक सेक्शन जो पहले भी प्लेन था वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही रहता है। तो मतलब ऊपर में हमको क्या देखने को मिला, ऊपर में कंप्रेशन, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या हुए, कंप्रेस होते हैं, और बॉटम में क्या देखने को मिलता है, तो टेंशन। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि ऊपर में कंप्रेशन लगता है, बॉटम में टेंशन लगता है। ये जो साइड का प्लेन था ये बेंडिंग लोड लगाने से पहले भी प्लेन था, और ये बेंड होने के बाद भी यह साइड हमारा प्लेन है। तो ये कहता है कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, पहले भी जो बेंडिंग से पहले जो सेक्शन प्लेन था, विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, वो प्लेन ही रहा बेंडिंग के बाद भी, बेंड होने के बाद भी। जब बीम सीधा था तब भी यह सेक्शन हमारा प्लेन हुआ करता था, और जब बीम ये बेंड हो गया तब भी यह सेक्शन हमारा बेंड ही रहा, ठीक है। तो ये हमारा पहला अजम्पशन इसके बारे में बताता है। सेकेंड है, बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील। मतलब कि बॉन्ड जो होगा कंक्रीट और स्टील के बीच में वो परफेक्ट होगा। कहाँ तक का परफेक्शन का, तो विद इन इलास्टिक लिमिट। अब देखिए, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन आप बनाते हैं माइल्ड स्टील का, तो इसमें होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग, अल्टीमेट एंड देन फ्रैक्चर। तो कोई भी कहता है कि कहाँ तक है इलास्टिक लिमिट तक, यानी जहाँ तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन का, यहीं तक बॉन्डिंग इसकी कंक्रीट और स्टील के बीच का परफेक्ट होगा। इसके बाद अगर लोड ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो उसमें यील्डिंग आता है, फिर अल्टीमेट पर जाता है, फिर फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ पर प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं रह जाता। तो यह लोड लगाने के लिए कहता है वहीं तक लोड लगाइए जहाँ तक बॉन्डिंग इसकी परफेक्ट होती है। और नेक्स्ट एजम्पशन इज स्टील एंड कंक्रीट बिहेव एज लीनियर इलास्टिक मटेरियल, कि कंक्रीट और स्टील दोनों ही लीनियर इलास्टिक मटेरियल की तरफ बिहेव करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेज आर टेकन बाय रिइंफोर्समेंट नॉन बाय कंक्रीट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन ऑफ दिस WSM, कि जितना भी टेंसाइल स्ट्रेसेज होगा, कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है और ब्रिटल मटेरियल कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में वीक होता है, तो टेंशन में वीकनेस को दूर करने के लिए हम लोग को टेंसाइल रिइंफोर्समेंट लगाना पड़ता है। तो ये कहता है कि जितना टेंसाइल स्ट्रेसेज होंगे वो सभी इसमें लगने वाला रिइंफोर्समेंट ही बियर करेगा, यहाँ पर कोई भी कंक्रीट नहीं बियर करेगा। कंक्रीट क्या बियर करेगा, तो कंप्रेसिव फोर्स को बियर करेगा। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेसेज इन स्टील एंड कंक्रीट आर रिलेटेड बाय ए फैक्टर नॉन एज मॉडुलर रेशियो WSM। इसी से अलग होता है कि WSM में हम लोग मॉडुलर रेशियो यूज करते हैं, जबकि LSM में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, जिसको M से डिनोट किया जाता है। यह M आपको हर जगह मिल जाएगा, जहाँ भी WSM का कोई भी आपको कैलकुलेशन करना होगा, आइदर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो, आइदर डिजाइन ऑफ सिंगल रिइंफोर्स बीम हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मॉडुलर रेशियो के बिना कोई भी काम इसमें नहीं होने वाला है। तो दोनों ही स्टील हो या कंक्रीट हो, दोनों ही रिलेटेड रहते हैं इस फैक्टर से, जिसका नाम है मॉडुलर रेशियो। एंड द लास्ट एजम्पशन इज स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज ए स्ट्रेट लाइन अंडर वर्किंग लोड। तो इसके जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होते हैं वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलते हैं जब उस पर लोड लगाया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस। इसमें जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो परमिसिबल स्ट्रेस को लेकर डिस्कस करेंगे। तो वो परमिसिबल स्ट्रेस हमारा अगला टॉपिक होगा। परमिसिबल स्ट्रेस होता क्या है, कि यह वह स्ट्रेस होता है जिसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ को डिवाइड करके, परमिसिबल स्ट्रेस को कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ को एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके फाइंड करते हैं। मतलब हम अगर कहें परमिसिबल स्ट्रेस बराबर होगा क्या, या तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेंथ, किसका, स्टील का। ये होता क्या है, तो 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। अब प्रूफ स्ट्रेस मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा, आप थर्ड सेमेस्टर सोम सब्जेक्ट में अभी इसको अच्छे से पढ़ चुके होंगे,
ठीक है। जब इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तब मिलता है हमको क्या, परमिसिबल स्ट्रेस। लेकिन आपको यहाँ पर इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको IS कोड में क्लॉज B2 में आपको दिया हुआ है। यह कोड आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा अगर आप RCC पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, फाइनल हो चाहे आपका आने वाला कंपटीशन हो, तो यह कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको कोड लेने ले जाने दिया जाएगा, कंपटीशन में नहीं ले जाने दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इस कोड में इसकी वैल्यू जाके देखेंगे पेज नंबर 80 पे, पेज नंबर 81 पर, तो परमिसिबल स्ट्रेस चाहे कंक्रीट का हो चाहे स्टील का हो वहाँ पर दिया रहता है। तो परमिसिबल स्ट्रेस इसमें आपको ये आपको टॉपिक मिलेगा जिससे कि आपको WSM रिलेटेड रहता है और इसमें सारा कैलकुलेशन इसी पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये रहा परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में कुछ बातें। परमिसिबल स्ट्रेस कहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करता है, तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा। कंक्रीट के लिए बेंडिंग कंप्रेशन में 3 और डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में 4, जबकि स्टील के केस में 1.78 का यूज करते हैं। यह परमिसिबल स्ट्रेस IS 456 में टेबल नंबर 21 स्टील और कंक्रीट का टेबल नंबर 22 जो कि पेज नंबर 80 और पेज नंबर 81 पे दिया रहेगा, वहाँ पर जाकर आप इजीली इसको देख सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में जब यह वैल्यू नहीं दिया रहेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। तो एक मेंबर है उसका एनालिसिस करते हैं, मतलब इस सेक्शन को हम एनालाइज करने के लिए इक्विवेलेंट सेक्शन में इसको बनाना पड़ता है। इक्विवेलेंट सेक्शन का मतलब क्या है, सपोज मानते हैं कि हमारे पास में एक बीम है जिसका विड्थ है बी और इफेक्टिव डेप्थ है डी। देखिए टोटल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर दो अलग अलग देखने को मिलते हैं। इफेक्टिव डेप्थ का मतलब हो गया कि जहाँ से बीम के टॉप पार्ट से लेके रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक का डिस्टेंस को इफेक्टिव कहा जाता है, और यही बीम का जो टोटल डेप्थ आ जाएगा इसको हम लोग टोटल डेप्थ से डिनोट करेंगे, कैपिटल डी कहेंगे। तो इफेक्टिव डेप्थ हो गया डी, ये लगने वाला इसमें रिइंफोर्समेंट है। इसमें जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये इसको आता कहलाता है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। इस डायग्राम को आप देख रहे हैं ये होता है इसका स्ट्रेन डायग्राम, जिसमें बताता है कि स्ट्रेन में वेरिएशन लीनियर होता है जो कि एक लाइन से डिनोट होता है। यह डायग्राम कैसे बनता है देखिए ध्यान देंगे, जैसे कि आपका ये बीम पहले ऐसा था, ठीक है, जब इस पर लोड लगाएं बीम पे, जब इस बीम पे लोड लगाएं तो हमारा बीम ऐसे ये क्या हो गया, बेंड हो गया, यह बीम ऐसे हमारा बेंड हो गया। क्या देखने को मिला कि पहले जो कंप्रेशन का मॉलिक्यूल्स यहाँ हुआ करता था और टेंशन का मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इसके सामने हुआ करता है। तो लोड लगाने से पहले की मान, जब लोड इस पर लगाती हैं तो चूंकि कंप्रेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ में शिफ्ट हो जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ था ये अपना पोजीशन पहले वो यहाँ वो करता था, अब अपना पोजीशन यहाँ चेंज कर लेगा, ठीक है, ये पोजीशन अपना बदल के यहाँ चेंज कर लेगा। तो इसके लिए टेंशन में, इसके लिए जब टेंशन की बात की है, टेंशन में ये मॉलिक्यूल्स यहाँ था, तो टेंशन में क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह से अपना पोजीशन शिफ्ट करता है, तो जो पोजीशन यहाँ होना चाहिए वो पोजीशन अब यहाँ हो जाएगा। तो मतलब होना चाहिए हमको ये स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट जो भी सिचुएशन था लोड से पहले का, लेकिन जब लोड लगाएं तो ये अपना सिचुएशन ऐसे चेंज कर ले। तो यही आपका लीनियर ये आपका डायग्राम देखने को मिलता है, यानी कि ये आप इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे कभी भी नहीं, ये गलत होता है। पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाना है और दोनों में स्ट्रेन की वैल्यू को इस तरह से मैच करा देना होता है, ठीक है। तो ये बताता है कि आपका ये लोड से पहले का पोजीशन है और ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं लोड लगने के बाद का पोजीशन है। तो ये है इसका स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो स्ट्रेन डायग्राम है और दूसरा है इसका इक्विवेलेंट सेक्शन। इक्विवेलेंट सेक्शन का मतलब हुआ कि इसके बराबर का सेक्शन, मतलब जो लोड हम लोग अप्लाई किए हैं, जैसे कि बीम है हमारा ऊपर में कंप्रेशन है नीचे में टेंशन, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा दिए। क्यों डॉटेड लाइन से, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन यानी कंक्रीट का कोई काम नहीं है, इस एरिया में टेंसाइल लोड लगना है और सारा टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करता है इसमें लगने वाला रिइंफोर्समेंट, तो यहाँ पर इसीलिए इसको डॉटेड लाइन दिखाया गया। अगेन हमारा यही स्ट्रेस डायग्राम है तो इसमें स्ट्रेस की वैल्यू को दिखाया जाना। तो इसकी वैल्यू को जो आता है इसको हम लोग कहते हैं CA यानी सिग्मा, CBC से भी डिनोट कर सकते हैं, ये इसका परमिसिबल स्ट्रेस होता है। सी है इसका मतलब ये कंक्रीट का, अगर S रहता तो होता है स्टील, तो कंक्रीट में स्ट्रेस सिग्मा CBC यानी कि CA के बराबर है, CA भी इसको लिखते हैं हम लोग, और स्टील में जो स्ट्रेन होगा वो TA/M से डिनोट किया, जहाँ पर M जो है मॉडुलर रेशियो होता है, ठीक है। यहाँ से जो डेप्थ है, टॉप से डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस तक, इसको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के नाम से जानते हैं, जिसको XA से डिनोट किए हैं। जब आप चलेंगे लिमिट स्टेट मेथड में इसी चीज़ को हम XU से डिनोट करके बताएंगे। और टोटल डेप्थ आपका यहाँ तक का इफेक्टिव डेप्थ अगर D माने हुए हैं और यहाँ तक का XA है, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं D-XA के बराबर।
तो ये थे थोड़े से एनालिसिस के पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी। तो अगेन हम लोग डिस्कस करते हैं इस डायग्राम को अलग से एनालाइज करके। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम जैसा कि वहाँ था वैसा हमने ड्रॉ कर लिया। इसमें क्या देखते हैं कि एक ऊपर पे ट्रायंगल बनता है जो कि कंप्रेशन साइड का होता है और नीचे ट्रायंगल बनता है जो कि टेंशन साइड का होता है। इन दोनों ट्रायंगल में ये जो दोनों ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल हो गया लोअर ट्रायंगल, ये हो गया अपर ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या लगाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, ट्रायंगल का बेस ट्रायंगल के बेस से डिवाइड करेंगे, ट्रायंगल का हाइट उसके हाइट से डिवाइड करेंगे, या फिर बेस बाय हाइट तो बेस बाय हाइट कर लेते हैं। तो यही हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हमने क्या किया कि ट्रायंगल का हाइट और ट्रायंगल का बेस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, हाइट को बेस से डिवाइड किए, तो यहाँ भी हमने क्या किया, हाइट को बेस से डिवाइड, यानी कि हाइट इतना है और बेस हमारे पास इतना है, तो दोनों को हाइट बट्टा बेस के रेशियो में लिखे, ये भी हाइट बट्टा बेस के रेशियो में लिखे। ये हमारा लोअर ट्रायंगल हो गया, ये हमारा अपर ट्रायंगल का बात हो गया। यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से सी ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सी ए की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सी ए की वैल्यू इतनी मिल जाती है। अब हम क्या देखते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस वह लाइन होता है जहाँ पर कंप्रेशन और टेंशन दोनों ही बराबर मात्रा में होते हैं, यानी सी बराबर टी होते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज करते हुए न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग फाइंड करेंगे, सी बराबर टी। अब सी क्या है, कंप्रेसिव फोर्स, और टी क्या है, टेंसाइल फोर्स। हम जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर फोर्स कंप्रेशन हो या टेंशन हो, अगर फोर्स कंप्रेशन है तो कंप्रेशन के लिए यूज होगा, अगर टेंशन है तो टेंशन के लिए यूज होगा। तो लिख सकते हैं फोर्स बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब चूंकि ये स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम होता है, स्ट्रेस डायग्राम होता है, तो यहाँ पर इसका जो एरिया होगा वही हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। और एरिया हम डिस्कस कर रहे हैं किसका, बीम का। तो बीम का हमने बता रखा था, ये हमारा बीम है, इस बीम का विड्थ हमारे पास बी था, और लेंथ जो है बीम का लेंथ जो है हम इसका एक मीटर लेंथ मानते हैं। ठीक है, एक मीटर जो इसके पीछे जो लेंथ होगा बीम का, एक मीटर के लिए डिजाइन करते हैं। तो बीम का एरिया हो जाएगा बी इंटू वन, क्योंकि विड्थ इंटू लेंथ होता है एरिया बराबर। तो हम लिख सकते हैं क्या, सी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एरिया, किसका एरिया लिखेंगे, तो स्ट्रेस डायग्राम का एरिया यूज करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो हमारा स्ट्रेस कहलाएगा। और एरिया किसका यूज करेंगे, तो बीम वाला एरिया यूज करेंगे, तो हमको कहलाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया का यूज करेंगे। देखिए कैसे होगा, इसके लिए हमको स्ट्रेस का एरिया बनाना पड़ेगा। स्ट्रेस का एरिया कैसे बनाएंगे, देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सी के जगह पर हमने क्या लिखा, एरिया लिख लिया, किसका, ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस, बेस के जगह पर सी ए और हाइट के जगह पर एक्स है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया। यही एरिया हमको क्या बताया, स्ट्रेस बताया। क्यों स्ट्रेस बताया, क्योंकि स्ट्रेस डायग्राम का एरिया हमको निकालते हैं तो उसका स्ट्रेस बताता है। और बचा स्ट्रेस इंटू एरिया, हमने कहा तो एरिया के जगह पर क्या लिखें, बीम का अपना एरिया। तो बीम के लिए हमने बताया कि बीम का हमने जो माना था इसका विड्थ बी, और इस बीम का जो लेंथ होगा, इधर जो पीछे लेंथ होगा, वो हमने एक मीटर के लिए एनालिसिस किए, तो हो जाएगा बी इंटू वन। तो इसके लिए मल्टीप्लाई किए, वन के बराबर तो कुछ नहीं, वन का मतलब वन, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाता है। सिमिलर केस होता है टेंसाइल के लिए, तो टेंसाइल में हमारे पास स्ट्रेस इतना है और इसके साथ में एम लगा हुआ है। ठीक है, तो एम ए एच टी जो है यहाँ पर एम ए एच टी जो है अपना इसका स्ट्रेस का एरिया होता था, किसका एरिया, तो इसमें लगने वाले रिइंफोर्समेंट का। तो ये हो गया एरिया, ये हो गया हमारे पास में स्ट्रेस। तो निकल के जो सामने आया फॉर्मूला हमारे पास जो निकल के सामने आया वो आ गया एक्स हाफ इंटू एक्स इंटू सी ए इंटू बी एंड एम इंटू एच टी इंटू टी ए बाई एम का। तो इन दोनों को आपस में हमने इक्वेट किया, और इक्वेट किए तो हमारे पास में क्या निकल के आया, देखिए b इंटू एक्स ए इंटू सी ए। यहाँ से सी ए की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दीजिए, इसको सी ए की वैल्यू यहाँ से जब हम पुट करेंगे, सी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स ए बट्टा में d माइनस एक्स ए इंटू टी ए बाई एम, और इंटू में बी इज इक्वल टू एम इंटू ए एच टी इंटू टी ए बट्टा में एम। एम से एम ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, या फिर टी ए बाई एम से आप कैंसिल कर दीजिए, एम आपका रह जाएगा यहाँ से। जब इसको सॉल्व करते हैं तो बचता है बी इंटू एक्स ए बाई टू इज इक्वल टू
एम ए एस टी डी माइनस एक्स है। यह आपका फॉर्मूला बन गया और इसी को कहा जाता है, यह बनता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन कंप्रेशन साइड, यह बनता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इन टेंशन साइड का। ठीक है, तो यह बन गया आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कंप्रेशन साइड, ये बन गया आपका टेंशन साइड का। तो यहाँ से हम पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब निकालें तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए आपका जो फॉर्मूला निकल के सामने आता है ये बनता है एक्स ई बराबर, यानी कि जो एक्स ए है, एक्स ए बराबर एम इंटू सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एच डी इंटू में डी। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है जो कि आपका होता है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए, और ये बन जाता है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड का और ये टेंशन साइड का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सेक्शन का। सेक्शन कितने तरह के बनते हैं, तो तीन तरह के सेक्शन बनेंगे, बैलेंस सेक्शन, अंडर रिइंफोर्स सेक्शन, ओवर रिइंफोर्स सेक्शन। देखिए सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि बीम में तीन तरह का कंडीशन हो सकता है। क्या कंडीशन, जैसे कि आपका बीम का पहले का जो स्ट्रेन डायग्राम था वो लीनियर था। क्यों लीनियर था, कि लोड नहीं लगा था, जहाँ पर आपका कंप्रेशन था और जहाँ पर टेंशन था सामने सामने थे। लेकिन जब इस पर लोड लगाएं और उसमें स्ट्रेन आता है, तो स्ट्रेन इन कंक्रीट मान लिए, ये वैल्यू आपका स्ट्रेन इन कंक्रीट है जिसको हम दिखाए थे सिग्मा सी बी सी से, और इसको मान लिए हमने स्ट्रेन इन स्टील है जिसको हमने दिखाया था टी ए बाई एम से। अगर यह दोनों वही मात्रा में रहे जिस मात्रा में रिक्वायर्ड है, तो ऐसे सेक्शन को कहा जाता है बैलेंस सेक्शन। ठीक है, यही दूसरा केस कि आपका जो पहले का स्ट्रेन डायग्राम था, कंक्रीट में स्ट्रेन इतना ही रहेगा लेकिन स्टील में स्ट्रेन पहले से कम हो जाए। ठीक है, पहले से कम हो जाए, तो इस केस को कहा जाता है अंडर रिइंफोर्स सेक्शन। इस केस में यह देखने को मिलता है कि एरिया ऑफ टेंशन स्टील इज सच दैट, इस तरह से एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट रहता है कि स्टील अटेन इट्स परमिसिबल स्ट्रेस फर्स्ट। मतलब इसमें अमाउंट से, यानी कि स्ट्रेन हमारा पहले कॉन्क्रीट में, और सॉरी जितना हमारे रिक्वायर्ड स्ट्रेन है कंक्रीट में उतना ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन स्टील में हम लोग जरूरत से कम प्रोवाइड करेंगे, ऐसे केस को अंडर रिइंफोर्स कहेंगे। इस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो स्ट्रेन जो रिसीव होगा, स्ट्रेन जो जनरेट होगा, वो सबसे पहले स्टील में आएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सफिशियंट वार्निंग मिल जाएगा जब स्ट्रक्चर फेलियर का कंडीशन होगा। ठीक है, तो ऐसे केस को कहा जाता है अंडर रिइंफोर्स सेक्शन। नेक्स्ट है ओवर रिइंफोर्स, तो इसमें जस्ट इसका ऑपोजिट कि स्टील में सॉरी कंक्रीट में स्ट्रेन को सेम ही रखना है, उसमें चेंजेस नहीं होगा, लेकिन कंक्रीट में स्ट्रेन के बजाय स्टील में जो स्ट्रेन होगा वो जितना हमारे वो ओरिजिनली थी पहले, उससे हम लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे केस को कहा जाता है ओवर रिइंफोर्स्ड केस, ओवर रिइंफोर्स सेक्शन। मतलब अंडर है मतलब जरूरत से कम, ओवर है मतलब जरूरत से ज़्यादा, क्या स्टील। इस केस में क्या होगा कि कंक्रीट में स्ट्रेन पहले आएगा और स्टील में स्ट्रेन बाद में आएगा। ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो वार्निंग हमें नहीं मिलता है सफिशियंट फेलियर के समय, और कुछ भी होने से पहले हम अपने आप को बचाने में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ओवर इन्फोर्स सेक्शन को अवॉइड करते हैं, इसको नहीं प्रोवाइड करते हैं, अंडर इन्फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये सफिशियंट वार्निंग देता है फेलियर से पहले। अब इसको हम लोग जनरेट करेंगे इसका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कब होता है, जहाँ पर कंप्रेशन और टेंशन इक्वल अमाउंट में होते हैं उसको कहा जाता है न्यूट्रल एक्सिस। और ये कब होता है, ये होता है इन द केस ऑफ बैलेंस केस, बैलेंस सेक्शन केस में इसके डेप्थ को कहा जाता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन अंडर इन्फोर्स केस में क्या देखें, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है पहले से, अब ये पहले तो यहाँ था, अब हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहाँ आ गया, अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखिए यहाँ आ गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है इन द केस ऑफ अंडर इन्फोर्स सेक्शन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट डाउनवर्ड अपवर्ड और रिमेन्स इन सेम पोजिशन, वाट विल बी योर आंसर, योर आंसर इज न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट डाउनवर्ड। एंड इन द केस ऑफ ओवर इन्फोर्स सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट अपवर्ड, न्यूट्रल एक्सिस हमारा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। न्यूट्रल एक्सिस देखिए कहाँ है, ये हमारा पहले का है ब्लैक वाला, जो रेड लगा है ये अभी का है। इस केस में न्यूट्रल एक्सिस कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो इस तरह से हम तीनों सेक्शन में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है कि यह प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, कंप्रेसिव फोर्स टू लीवर आर्म और टेंसाइल फोर्स टू लीवर आर्म। या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा करें कि ये बीम का अपना कैपेसिटी होता है, क्या है, तो ये रेसिस्टेंस कैपेसिटी है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द
resistance offered by the beam against external load. As there is no resultant force acting on the beam and section is in equilibrium, the total compressive force is equal to the tensile force. मतलब कि जब कोई resultant force act ना कर रहा हो beam पर, तब उस केस में compressive force और tensile force दोनों बराबर होते हैं. यह दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस. इस डिस्टेंस को हम लोग कहा जाता है लीवर आर्म. वो लीवर आर्म क्या होता है मैं अभी आपको डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है. और इसको हम लोग कपल को जो कहेंगे वो कपल जनरेट होगा, वो कपल को ही हमारा कहा जाता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. जैसे कि आपका ये बीम है, पहले का जो एनालाइज किया हुआ है, इस बीम में स्ट्रेस डायग्राम में इसका आपका जो डिस्टेंस होता है लीवर आर्म का, वो लीवर आर्म का डिस्टेंस, मतलब कि हम LSA में जब करेंगे, LSA में आपको दिखाएंगे कि स्ट्रेस डायग्राम का डिस्टेंस आएगा जहाँ से सेंट्रॉइड होगा स्ट्रेस का और सेंट्रॉइड होगा हमारा रिइंफोर्समेंट, उसके बीच के डिस्टेंस को लीवर आर्म कहेंगे, ठीक है. तो वो डिस्टेंस से अलग होते हैं. इस केस में हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो था, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसके लिए आपको, हाँ ये रहा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका कंप्रेशन साइड का और ये रहा आपका टेंशन साइड का. यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं. तो ये थे आपके सेक्शन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में. नेक्स्ट है, ये सबको एक न्यूमेरिकल के हेल्प से समझते हैं कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा कि आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए MOR, जो कि जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर पूछेगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कीजिए. बस इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछने वाला. तो एक क्वेश्चन है, देखते हैं. कैलकुलेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, एरिया ऑफ स्टील भी निकालना है यानी कि AST भी निकालना है, एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखिए MOR भी निकालना है, XU भी निकालना है एंड AST भी निकालना है. बैलेंस सेक्शन का डिस्कस किया है जिसका बीम साइज दिया हुआ है इफेक्टिव एंड M20 Fe415 का यूज किया हुआ है. तो सपोज इसको सॉल्व करते हैं. पहले सपोज एक बीम है हमारे पास, इस बीम में कुछ रिइंफोर्समेंट लगे हुए हैं. अभी हमें नहीं पता है कितना है, लेकिन मान लीजिए कि कुछ रिइंफोर्समेंट होंगे क्योंकि हमको डेप्थ दिखाना होगा. इस बीम का विड्थ है 450 mm और इसका जो इफेक्टिव डेप्थ है 700. इफेक्टिव का मतलब हुआ कि टॉप से लेके रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक का डिस्टेंस को इफेक्टिव कहा जाता है और ये डिस्टेंस को कहा जाता है इफेक्टिव कवर. तो इस केस में मान लेते हैं कि ये 50 mm का है, तो टोटल डेप्थ हो जाएगा 750. अब हमको क्या करना होगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है. तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला क्या है, तभी डिस्कस किए थे. ये होता है XU बराबर M यानी मॉडुलर रेशियो इंटू सिग्मा CBC डिवाइड बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू में D यानी कि इफेक्टिव डेप्थ. अब M है मॉडुलर रेशियो, M की वैल्यू हमारे पास नहीं है. M कैसे निकालेंगे, तो M का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा CBC. सिग्मा CBC की वैल्यू हमने कहा क्या परमिसिबल स्ट्रेस है, किसका, कंक्रीट का. तो IS 456 में पेज नंबर 80 पे जाके देखेंगे M20 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी है. तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेट किए हैं 3 × 7, ये 7 के बराबर होता है. जब इसको कैलकुलेट किया तो आ गया 13.33 मॉडुलर रेशियो की वैल्यू. M की वैल्यू आता है 13.33. अब यहाँ पर ये वैल्यू को पुट करना है 13.33 × 7 डिवाइड बाई 13.33 × 7 और सिग्मा ST की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं सिग्मा ST की वैल्यू. और सिग्मा ST आप यूज कर सकते हैं 230 Nm² अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब. तो यहाँ पर यूज करेंगे 230 और इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है 700. जब इसको सॉल्व किए तो हमारे पास में आ गया वैल्यू 202.02 mm. ये आ गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का. तो आपका पहला आंसर यहाँ पर मिल गया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपका कितना आएगा. अब डिस्कस करते हैं सेकंड, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट के लिए. तो एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट के लिए हमको लगाना पड़ेगा C/D यानी कि कंप्रेशन और टेंशन दोनों बराबर होंगे. न्यूट्रल एक्सिस ऐसा होता है जहाँ पर कंप्रेशन टेंशन बराबर होते हैं, तो उसी कंडीशन को यूज करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे. तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या आएगा, हाफ एक्स है यानी कि ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है और सॉरी ये WSM है, यहाँ पर इसलिए एक्स यूज करते हैं वैल्यू को. तो एक्स का मतलब हो गया 202.02. सिग्मा CBC की वैल्यू है 7 और बी है यहाँ पर 450. सिग्मा ST हमने यूज किया है 230 और यहाँ पर AST आपको निकालना है. जब इसको सॉल्व किए तो AST हमें मिल गया
AST की वैल्यू हमें मिल जाती है 1383 1383.64 mm². तो यहाँ से एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट भी निकाल सकते हैं। देखिए कितना इजी है, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू को इस पर पुट करेंगे और यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ये थर्ड है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो उसके लिए फार्मूला आप यूज कर लेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सी इंटू लीवर आर्म होता है, सी इंटू ये लीवर आर्म है, तो लीवर आर्म के फार्मूला आप लगा सकते हैं कि डी माइनस एक्स ए बाई थ्री का होता है। तो यहाँ से सारा वैल्यू को पुट करेंगे, हाफ इंटू एक्स ए के जगह पर 202.02, सिग्मा सी बी सी का वैल्यू 7, यहाँ पर 7 हमने यूज किया हुआ है, टेबल से है, पेज नंबर 80 ऑफ आईएस 456, एंड बी के जगह पर ये 450, जो डी की वैल्यू है वो ऑलरेडी आपको गिवेन है 700, एक्स ए बाई थ्री यानी 202.02/3। जब इसको सॉल्व किए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, इसको जब हमने सॉल्व किया तो आता ये 201.3 किलो न्यूटन मीटर का। तो ये चीज़ें थी आपको यूनिट नंबर 2 में इसके लिए न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 3, बार बार वही यूनिट नंबर 3 आ जा रहा है, तो अगले क्लास में हम लोग यूनिट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल में आपको हमने एक ही न्यूमेरिकल यहाँ पर इसलिए कराया कि ये बहुत रेयर चांस है इससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में WSM ओनली फॉर इंट्रोडक्शन के लिए है, जहाँ से आपको मैक्सिमम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप AST निकालिए, तो आप इस फॉर्मूला को बखूबी यूज कर सकते हैं, सी बराबर टी और यहाँ से वैल्यू को पुट करके AST निकाल सकते हैं। उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये डायरेक्ट फार्मूला है, कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म और टेंशन इंटू लीवर आर्म का, और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का तो ये पेटेंट फार्मूला है, तो यहाँ से आप इसको जरूर याद रखेंगे। इसमें प्रॉब्लम होगा सिग्मा CVC वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आप लोग पेज नंबर 80 हम अभी बता रहे हैं IS 456 का 2000 ये जो कोड है, तो इसमें पेज नंबर 80 पर जाइए, पेज नंबर 80 पे आपको सिग्मा CVC की वैल्यू वहाँ पर मिल जाएगी। ये कॉन्क्रीट है, सी मतलब कॉन्क्रीट, अगर सिग्मा CBS लिखा होता तो वो स्टील होता, तो यहाँ से वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलता अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।